नमस्कार, इंडिया स्पीक डेली में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मिंटू झा। मंदिर और मठों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त किए जाने की मांग हिंदू समाज द्वारा काफ़ी समय से की जा रही है, लेकिन अब इस मांग को और तेज व मजबूती से आम जन तक पहुंचाने के लिए एकम सनातन भारत दल के कार्यकर्ताओं ने 19 जून को सुबह 12 बजे से शाम 5 बजे तक दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में माता वैष्णो देवी से जुड़े बारीदार समुदाय के साथ विभिन्न हिंदू संप्रदाय के प्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया। इस विरोध प्रदर्शन को लोगों का भारी समर्थन मिला। इस अवसर पर एकम सनातन भारत दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट अंकुर शर्मा ने कहा कि मंदिर और मठों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करवाने हेतु एकम सनातन भारत दल के कार्यकर्ताओं द्वारा पूरे देश में आंदोलन का संचालन किया जाएगा। जब मस्जिद और चर्च पर सरकार नियंत्रण नहीं कर रही है तो फिर सरकार हिंदू मंदिरों पर नियंत्रण का जिद क्यों पाले हुए है? यह संविधान में वर्णित समानता के सिद्धांत के भी विरुद्ध है। स्वतंत्रता के बाद से ही हिंदू समाज के साथ दोयम दर्जे का बर्ताव किया जा रहा है, जो अक्षम है। अंकुर शर्मा ने कहा कि हिंदुओं को संवैधानिक अधिकार दिलाने के उद्देश्य से ही एकम सनातन भारत दल का गठन हुआ है। हमारे सप्त संकल्प में यह साफ साफ स्पष्ट कर दिया गया है कि अब हिंदुओं के साथ भी कोई भेदभाव नहीं स्वीकार किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अंग्रेजों के बनाए कानून को स्वतंत्रता के बाद से ही सभी सरकारों ने न केवल और भी अधिक मजबूत किया है, बल्कि इसमें उत्तरोत्तर वृद्धि भी की है। खुद को हिंदुत्ववादी कहने वाली भाजपा सरकार ने भी उत्तराखंड के चार धामों पर नियंत्रण कर यह साबित किया है कि वह हिंदुओं के मंदिर मठों को लूटने में अंग्रेजों और कांग्रेस के राह पर ही चल रही है। दरअसल मंदिर के संचालनों के नाम पर सरकारों ने मंदिर पर अवैध कब्जा किया हुआ है। वहीं जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन के बीच हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अंकुर शर्मा जी से कुछ पत्रकारों ने कई तीखे सवाल किए, जिसके बाद उन्होंने बड़े ही बेबाकी अंदाज में जवाब दिया। तो आइए आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। मोदी जी हिंदू विरोधी है या खाली हिंदुत्व ढोंग करते हैं, आप ये कह रहे हैं? मोदी जी पॉलिसी के लेवल पे देखेंगे तो हिंदू विरोधी है। एक आपने बड़ी अनोखा चीज आज जंतर मंतर पर देखने को मिला मुझे, मंदिर मुक्ति अभियान। आखिर मंदिर मुक्ति अभियान के लिए यहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए हैं। हमारे साथ हैं अंकुर शर्मा जी। अंकुर शर्मा जी, पहले हम जानना चाहेंगे कि ये मंदिर मुक्ति अभियान की जरूरत क्या पड़ी है? देखिए, एकम सनातन भारत दल के मेंबर, सदस्य, कार्यकर्ता, अधिकारी यहाँ पे हैं और उसके साथ ही माता वैष्णो देवी से जुड़ा हुआ संप्रदाय, रिलीजियस डिनोमिनेशन जिसे लीगल भाषा में कहते हैं, बारीदार समाज, उसके भी प्रतिनिधि यहाँ पे हैं। और मंदिर मुक्ति का जो बात है वो एकम सनातन भारत दल, जो एक रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है, 2024 के लोकसभा चुनाव भी हम लड़ेंगे, उसके सप्त संकल्पों में से एक संकल्प है। पिछले 70 वर्ष में संविधान जब से लागू हुआ, सरकार के पास ताकत आ गई कि वो मस्जिद को भी टेक ओवर कर सकती है, गुरुद्वारे को भी टेक ओवर कर सकती है, चर्च को भी और मंदिर को भी टेक ओवर कर सकती है। लेकिन सेलेक्टिवली जो इंडियन स्टेट की हॉस्टिलिटी है टुवर्ड्स सनातन, जो एंटी हिंदू कैरेक्टर है स्टेट एज अ पॉलिटिकल एंटिटी, उसके चलते ना मस्जिदों का टेक ओवर किया गया, ना गुरुद्वारों का टेक ओवर किया गया, ना ही चर्चों का टेक ओवर किया गया। केवल हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया गया और हिंदू मंदिरों को टेक ओवर करके हिंदुओं के उत्थान के लिए, सनातन की वृद्धि के लिए जो पैसा खर्च करना था उसे मिस अप्रोप्रिएट किया गया, चोरी की गई, डकैती के भी हमारे पास इंस्टेंसेज हैं। और 2020 में कोरोना के समय पे माता वैष्णो देवी के खजाने से पैसे निकाल के वहाँ पे इफ्तारी और ईदियाँ जैसी पार्टीज की गई। उसके अलावा हेल्थ और एजुकेशन के सेक्टर में भी जो हिंदुओं का पैसा मंदिरों से आता है और संस्थान और हॉस्पिटल्स बनते हैं, वहाँ पे भी कोई इलाज की बात नहीं। नहीं सर, एक मिनट रुकूंगा कि आपने जो बात कही है, एक तो आप मंदिर में जो फंडिंग्स आ रहे हैं या जो दान में आ रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं। नंबर वन, क्लैरिटी होनी चाहिए मैसेज में क्या आप कहना चाह रहे हैं। दूसरी बात है कि आप स्टेट्स की बात करें कि कई स्टेट्स, तो पर्टिकुलर किसी स्टेट्स को आप रिप्रेजेंट करें कि ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहे हैं? हम ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहे हैं और आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के हमारे जो प्रतिनिधि हैं वो हैं। हाँ। आप उनसे भी बात कर सकते हैं। यहाँ तमिलनाडु के लोग हैं, यहाँ कर्नाटका के लोग हैं, आंध्रा के हैं, मणिपुर, असम के लोग हैं, यहाँ पे गुजरात के हैं, महाराष्ट्र के हैं, जम्मू कश्मीर के हैं, हिमाचल के हैं, पंजाब के, हरियाणा के हैं, दिल्ली के, हर जगह से 28 राज्यों के प्रतिनिधि आपको यहाँ पे मिलेंगे। और चूंकि टेंपल पे जो लेजिस्लेशन है वो एक संविधान में स्टेट लिस्ट में आता है, तो इसीलिए मुख्यतः राज्य सरकारों की हम बात कर रहे हैं और केंद्र सरकार भी ये पार्लियामेंट के जरिए कानून बना के इस पे एक पॉलिसी डिसीजन ले सकती है। नहीं तो आपका ऑब्जेक्शन ये है कि केंद्र सरकार के जो अधीन ये मंदिर अभी आ रहे हैं या उनको लाए जा रहे हैं, उसमें जो चंदे आ रहे हैं या जो चढ़ावा आ रहा है, जो पैसे आ रहे हैं, उस पैसे को मिसयूज करने पे आपको एतराज है कि आप चाहते हैं कि आप वो सीधा आप लोगों के अंडर में हो?
नहीं, मिसयूज करना एक मैंने बताया कि किस तरीके से सरकार दुरुपयोग कर रही है, वो एक अलग विषय है। विषय ये है कि हिंदुओं के प्लेसेस ऑफ वर्शिप या रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को टेक ओवर करने का सरकार के पास संवैधानिक हक नहीं है। अगर संवैधानिक हक है तो वो सबके लिए है, सब कम्युनिटीज के रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को टेक ओवर करने का है। और 2012 की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद ये साफ हो गया है कि अधिक से अधिक 4-5 वर्ष के लिए आप टेक ओवर कर सकते हैं, उसके बाद आपको हिंदुओं का लिया तो हिंदुओं को वापस लौटाना है। ये सरकार ऐसा नहीं कर रही है और मंदिरों को टेक ओवर करके वहाँ पर जो चढ़ता हुआ चंदा है जो सनातन के सशक्तिकरण के लिए इस्तेमाल होना हो उसे मिसअप्रोप्रिएट कर रही है और उसमें धांधलियां करती है, क्योंकि आपके सीईओज जो हैं एसडीएम लेवल के अधिकारी अपॉइंट किए जाते हैं उसमें वो बहुत सारी फेरिस्त है कहीं कहीं। सर एक मिनट, वो पैसा सिर्फ आप कह रहे हैं दूसरे धर्म के लोगों के लिए जो यूज किया जा रहा है उस पर ऐतराज है कि और भी कुछ टाइप का डाइवर्सन है? सरकारी कंट्रोल हिंदू मंदिरों पे हमें ऐतराज है। ठीक है, नंबर वन पैसा खर्च करना जो गलत तरीके से किया जाता है वो हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि सरकार मिसमैनेजमेंट में पराकाष्ठा को टच कर चुकी है। सरकार हिंदुओं का पैसा हिंदुओं के खिलाफ इस्तेमाल करने की पराकाष्ठा को टच कर चुकी है। वो मैं आपको बता रहा हूँ कि जब सरकार कंट्रोल ले लेती है तो उसके बाद देखिए क्या प्रभाव पड़ता है आपके समाज पे। और अंकुर जी, मैं इसलिए आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा था कि इस सरकार पे मौजूद आप सरकार करते हैं, मैं बिल्कुल पॉइंटेड करके बोलता हूँ कि केंद्र सरकार, एब्सोल्युटली सेंट्रल गवर्नमेंट पे अभी ये कई तरह के आरोप हैं। जब से आई है सत्ता में तब से फॉर एन एग्जाम्पल जो CSR फंड हुआ करता था, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड, उसको अपने सहयोगी पार्टियों की तरफ डाइवर्ट करती है, RSS के तरफ बोलता हूँ खुल के, ये आरोप लग रहे हैं। तो क्या मैं इसको ऐसे मानूं कि जो मंदिर के फंड है जो जनता के वेलफेयर पे खर्च होना चाहिए, जैसे बहुत सारे धर्मों में है, खासकर मैं बात करूं जैसे सिख लोग लंगर लगाते हैं उस तरह से करते हैं, मैं एक एग्जांपल के लिए बात कर रहा हूं, तो क्या ये फंड इस तरह भी डाइवर्ट हो रहा है कि जो बीजेपी के सहयोगी जो अलग अलग पार्टियां RSS हो चाहे अलग अलग जो और भी बजरंग दल हो चाहे कोई भी उनके सहयोगी पार्टियां हैं उनके अंदर ये पैसा पंप तो नहीं हो रहा कहीं? 100% RTI फाइल की गई थी बारीदार समाज के द्वारा श्राइन बोर्ड जम्मू कश्मीर में, जो माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड है, और उसके जवाब में हमने पाया कि ये जो जिस परिवार की आप बात कर रहे हैं ना भाजपा संघ की, इनके लोगों ने श्राइन बोर्ड से पैसे लेके अपनी बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट की हैं जो अपने दफ्तरों में और अपने रेजिडेंसीज में तब्दील की हैं। तो वो सब चीज़ें जो है वो समय समय पर आपके सामने लाई जाएंगी। तो ऑब्वियसली डाइवर्जन है अपने लिए भी है और माइनॉरिटी अपीजमेंट के लिए भी है, जो अभी तुष्टिकरण से ग्रेजुएट होकर तृप्तिकरण की तरफ बढ़ गया है उस संबंध में भी है। अंकुर शर्मा जी, एक सवाल बहुत अहम उठता, जिस मोदी जी ने कहा था और लगातार कहते हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, उनके नाक के नीचे उन्हीं के से जुड़े संस्थाएं उन्हीं के पार्टी से जुड़े संघ की आप बात कर रहे हैं, आप भी कह रहे हैं इस बात को, तो क्या मोदी जी को पता नहीं है ये बात? बिल्कुल पता है, उनकी स्वेच्छा से हो रहा है, सब कुछ क्यों नहीं पता है? और इसीलिए तो हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं कि ये पॉलिटिकल व्हीकल्स नहीं है सनातन संस्कृति सभ्यता धर्म की लिबरेशन के, जो आज जकड़ी हुई है खासकर पोस्ट इंडिपेंडेंस, क्योंकि स्टेट ऑफ इंडिया की इंपीरियल कंस्ट्रक्ट है जो पॉलिसीज ऐसी प्लांट अपने अंदर लिए बैठा है, ऐसे इंडिविजुअल जैसे प्लांट किए गए हैं जो सनातन के मूल सेंसिटिविटीज जो है उनके खिलाफ ही करने का काम करता है। तो इनकी स्वेच्छा से है, चूंकि इस कंक्लूजन पे हम पहुंच चुके हैं कि ये नहीं कर सकते हैं देश का भला, इसीलिए तो पॉलिटिकल पार्टी हमने रजिस्टर करवाई और आज जंतर मंतर पे आपके सामने खड़े हैं। दोबारा नाम बताइए पॉलिटिकल पार्टी को? एकम सनातन भारत दल, इससे पहले एकजुट जम्मू नाम से पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन कमीशन के साथ रजिस्टर्ड थी, वो जम्मू संभाग में रह के सनातन के हिमालय के इस्लामीकरण के खिलाफ जंग लड़ रही थी। वहाँ पे कानून बनाया गया, ठीक है, मैं कानून बनाया गया, सुनिए, वहाँ पे जम्मू कश्मीर में विधानसभा को इस्तेमाल करके कानून बनाया गया जिस कानून के जरिए सरकारी भूमि पे केवल और केवल मुसलमानों को बसाने का षड्यंत्र था। 6 वर्ष के संघर्ष में उस कानून को हमने ध्वस्त करवाया, रोशनी एक्ट, J&K स्टेटलैंड्स वेस्टिंग ऑफ ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स एक्ट। तो कहने का मतलब यह कि सरकारी तंत्र ऐसा जकड़ा हुआ है कि आपकी विधानसभा आपके पार्लियामेंट को इस्तेमाल करके पाकिस्तान OIC कंट्रीज जिहादी पैन इस्लामिक जो ताकतें हैं उनके एजेंडा को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है और ये लोग फैसिलिटेट करते हैं। ये इतने जकड़े हुए हैं, जितनी भी एग्जिस्टिंग मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये इंडियन स्टेट एज अ पॉलिटिकल जो एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी है उसके अपरेटस में ऐसे जकड़े हुए हैं कि ये जो भारत और सनातन विरोधी ताकतें हैं उनके काम को फैसिलिटेट करने का काम करती है। उस कंक्लूजन पे पहुंचने के बाद ही हमने एकम सनातन भारत दल का निर्माण किया है। आपका जो एकम सनातन भारत दल जो होगा, तो अगर मैं प्योरली बात करूं, 80-20 की मैं बात नहीं करूंगा, मैं 70-30 की बात कर लेता हूं, एकदम प्योर 70% जो हिंदू इस देश के हैं उनकी राजनीति करेंगे या 30% वालों को भी करेंगे? हमारे मुद्दे सामने हैं, हमने ये कहा कि सनातन संस्कृति सभ्यता धर्म के खिलाफ जो जेनोसाइडल प्रोसेसेस अनलीश किए गए हैं उसे रिवर्स करने का हम काम करेंगे, संघर्ष हमारा वही है। इस प्रोसेस में, इस सनातन के सशक्तिकरण में जो जो लोग इसके खिलाफ काम कर रहे हैं उनकी कोई बात नहीं होगी, आप 70% को ही लेके चलिए। मैं 70% को लेके चलूं अगर, तो क्या आपका मकसद ये होगा कि बाकी 30% पे कोई ध्यान नहीं देना? आपने जेनोसाइड की बात करी है, यू टॉक्ड अबाउट द जेनोसाइड,
जिस जेनोसाइड का प्रोपेगेंडा गोदी मीडिया के द्वारा फैलाया जाता है, जो कहीं एग्जिस्ट नहीं करता, कई बार तब भी आपके दिमाग में जहन में भर दिया जाता है, तो एकम सनातन धर्म दल जो होगा तो क्यों नहीं ऐसा कर दिया कि सबको साथ लेके चलने की बात क्यों नहीं कर दिया? कौन जेनोसाइड कर रहा है इस देश? मैं बता रहा हूँ 1990 में किसने जेनोसाइड किया कश्मीर वैली में, किसने किया? किसने किया? हिंदुओं का नरसंहार जम्मू कश्मीर में हुआ, और हिंदुओं के नरसंहार को आज तक मीडिया, खासकर नेशनल मीडिया और भारत सरकार माइग्रेशन कहती है। शर्म आनी चाहिए। एक नरसंहार हुआ, उस वक्त सरकार किसकी थी? भाजपा की, भाजपा समर्थित सरकार थी। उसी भाजपा की सरकार को जनता ने 2014 में चुना है ना? भाजपा के खिलाफ ही तो एकम सनातन भारत दल खड़ा है ना? मैं खिलाफ की बात नहीं कर रहा हूँ। भाजपा जब पार्टी में आई थी तो मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास का नारा लगाया था। उस वक्त ये नहीं कहा था कि मैं जो राजनीति कर रहा हूँ वो करूंगा। उसी फ्रॉड के अगेंस्ट तो एकम सनातन भारत दल खड़ा है ना? आप जो बात कह रहे हैं उस बात को हम समझते हैं, मानते हैं, तभी तो एक सनातनी विकल्प खड़ा करने का प्रयास हमने किया है ना। आज एकम सनातन भारत दल उन्हीं सब विध्वंसों के खिलाफ जो है वो बात है। आज मेतई हिंदुओं पे हमले हो रहे हैं, सरकार मौन है। हिंदुओं के नरसंहार को नरसंहार नहीं माना जाता। 47 में ये वही सरकार है, वही राजसत्ता है, जिसने 5 करोड़ हिंदुओं को एक इस्लामी मुल्क को सौंप दिया। क्या भविष्य था उनका? और आप समझ सकते हैं कि कितनी घृणा रही होगी कि हम 4-5 हिंदुओं को मरने के लिए, 4-5 करोड़ हिंदुओं को मरने के लिए छोड़ सकते हैं। तो जो 5 लाख कश्मीरी हिंदू वहां से निकले 90 के समय में, उनकी तो बात ही छोड़ दीजिए। और आज जम्मू संभाग में राजौरी, पुंछ, डोडा, किश्तवाड़, ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र हैं जम्मू संभाग के, यहाँ पे आतंकी हमलों में और उसके अलावा जो रेडिकलाइजेशन और इंडोक्ट्रिनेशन के चलते हिंदुओं को वहां पे खत्म किया जा रहा है, और टारगेटेड किलिंग्स, अभी हिंदू हो तो गोली मारी जाएगी कश्मीर में, जो भी हो रही है। ये हिंदू नरसंहारी तो निरंतर चल रहा है। और हिमालय का इस्लामीकरण देखिए, चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती 2018 में 14 फरवरी 2018 का एक 5 पन्ने का आदेश निकालती है, जिसमें वो कहती है कि जम्मू संभाग में अगर कोई मुसलमान जमीन पर कब्जा करेगा तो कोई DMSSP उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा। जिसमें वो कहती है कि अगर कोई मुसलमान गौहत्या करेगा, बोवाइन स्मगलिंग करेगा, कोई DMSSP उसके खिलाफ सेक्शन 188 RPC और प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स एक्ट के तहत कार्रवाई नहीं करेगा। ऐसी चीजें हुई हैं, इन प्रोसेसेस हम लड़ने का काम कर रहे हैं। और सुनिए, ये डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्टिव है कि इंडिया जो अनफिनिश्ड चैप्टर है इस्लाम का, उसे फिनिश करने के लिए सनातन का इस्लामीकरण जरूरी है। सनातन का इस्लामीकरण तब होगा जब उसका पालना, यानी हिमालय, हिमालय का इस्लामीकरण होगा। और हिमालय के इस्लामीकरण के अंदर उत्तर भारत का इस्लामीकरण करना जरूरी है, और विद इन उत्तर भारत जम्मू संभाग जो 10 जिले हैं। इस्लामीकरण से मतलब क्या? कट्टरता की बात कर रहे हैं आप? इस्लामीकरण का मतलब क्या? डेमोग्राफी को चेंज करना, हिंदू बहुल क्षेत्रों को मुस्लिम बहुल क्षेत्र कन्वर्ट कर देना उतने समय काल में, जो बहुत अलार्मिंग कैटेगरी में उसमें डाला, जो 500 साल में होना है वो 10 साल में करना, वो 15 साल में करना, कानून बना के करना, रोहिंग्या और बांग्लादेशी को सेटल करके करना, आपकी फॉरेस्ट लैंड्स हो, रिवर बेड्स हो, स्टेट लैंड्स हो, वहां पे सरकारी तंत्र को इस्तेमाल करके गैर कानूनी तरीके से मुसलमानों को बसाना, इसकी बात हम कर रहे हैं। जो जम्मू कश्मीर में हो रहा है, हिमाचल में हो रहा है, आपके उत्तराखंड में हो रहा है, आप जाइए हरिद्वार का हाल देखिए क्या है, आपके तमिलनाडु में हो रहा है, वेस्ट बंगाल में हो रहा है, रोहिंग्या और बांग्लादेशी की प्रॉब्लम आप देख लीजिए। आज भारत का जो होम मिनिस्टर है, फॉरेनर्स एक्ट के तहत उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इन्हें क्वारंटाइन करके कहीं रख के आप इनको बाहर भेजिए, लेकिन ये समाज में घुलने मिलने दे रहे हैं, और जो कि नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है। आज वहां की सिक्योरिटी एजेंसी जम्मू कश्मीर की कहती है कि इन्होंने सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट्स के अराउंड, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट्स के अराउंड अपनी इलीगल सेटलमेंट्स की है, कि इन्होंने रोहिंग्याज और बांग्लादेशीज ने, कौन है वो जिसने सुंजवा टेरर अटैक में अपनी योगदान दिया, जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं। तो देखिए ये किसके एजेंडा पे चल रही है। अंकुर जी आप जितने भी एजेंडा बता रहे हैं ना, वो मौजूदा मोदी सरकार के ऑलरेडी एजेंडा, इसी एजेंडे पे राजनीति उनका बेस्ड है, जो उनका स्ट्रक्चर है ना पॉलिटिक्स का आज के डेट में, है ना लोग, उसी गलत फहमी को मैं वही कह रहा हूँ। आप उसी एजेंडे के तहत आप अपनी पार्टी जो आप बनाए हैं उसके तहत आप शायद सोच रहे हैं कि आपका एजेंडा, सुनिए देखिए, मैं बता रहा हूं, देखिए मोदी सरकार का एजेंडा है सचर कमेटी रिकमेंडेशंस को क्रियान्वित करना। सचर कमेटी रिकमेंडेशन कर रहे हैं सचर कमेटी का? सर मैं बता रहा हूं सचर कमेटी, चलिए सुनिए मेरी बात सुनिए। IAS IPS UPSC की परीक्षा की तैयारी के लिए मुसलमानों को आर्थिक मदद देना, केवल मुसलमानों को, ये सचर कमेटी की रिकमेंडेशंस थी जो सरकार ने पूरी की। मेरे ट्विटर हैंडल पे आप जाइए और सचर कमेटी की रिकमेंडेशंस जितनी भी थी उनका इंप्लीमेंटेशन स्टेटस देखिए। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी वेलफेयर की वेबसाइट से PDF डॉक्यूमेंट हमने डाउनलोड करके सेव किया है और शेयर किया है। आप सुनिए मेरी बात, आज आप प्रधानमंत्री को बोलते सुनेंगे कि कांग्रेस ने पिछले 70 वर्षों में 5% मुसलमानों को रिप्रेजेंटेशन दी ब्यूरोक्रेसी में, इस मोदी सरकार ने 9 वर्षों में वो रिप्रेजेंटेशन को डबल किया और 10% किया। मैंने स्वयं सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ा 2016 से 18 के बीच में, PIL नंबर 489/2016, टाइटल अंकुर शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स, जिसमें हमने कहा कि जम्मू कश्मीर में गलत तरीके से मुसलमान माइनॉरिटी स्टेटस लेके हासिल करके चल रहे हैं। उसमें मोदी सरकार ने वही स्टैंड लिया जो कांग्रेस का था, जो बाकी स्टैंड का था। सुनिए मैं आपको, और 12 मार्च सुनिए मेरी बात, 12 मार्च आप नहीं, मैं बात कर रहा हूं, आपके कहने से मैं सवाल अपना पूछूंगा।
12 मार्च 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों सरकारों के घुटने लगवा के ज्वाइंट कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करवा के ये एफिडेविट फाइल करवाया कि जम्मू कश्मीर में मुसलमानों को माइनॉरिटी स्टेटस और उसके तहत आने वाले बेनिफिट्स बंद करेंगे। आज हम 2023 में है जो गैर मुसलमानों के लिए जम्मू कश्मीर में हजारों करोड़ रुपए की स्कीम्स इंप्लीमेंट हो रही हैं वो इल्लीगल तरीके से इन वायलेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट मुसलमानों को दी जा रही है। ये है तुष्टीकरण से ग्रेजुएट होकर तृप्तिकरण की राजनीति, ये है मोदी सरकार की राजनीति। इसके खिलाफ हम आपकी बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ। अगर मोदी सरकार की यही राजनीति होती तो कर्नाटका में चुनाव से पहले मुस्लिम की आरक्षण खत्म की गई। ऐसा है क्योंकि वो चुनावी हिंदू हैं। अगर कर्नाटका में मोदी सरकार को जूते की पड़ी है अगर वो हारे हैं तो इट इज बिट्रेयल ऑफ द हिंदू कॉज जो बहुत अपेरेंट हो चुका था। आप और गहन अध्ययन करेंगे, वहां के लोगों से बात करेंगे तो आप समझेंगे कि भाजपा सरकार प्योरली एंटी होस्टाइल सनातन एटीट्यूड लेके काम करती थी। आप इनकी पॉलिसीज को उठा के देखें, उससे आपको समझ आएगा कि किस तरीके से। आखिरी सवाल एक ये है, क्या आप, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये मेरा सवाल है कि क्या मोदी के पॉलिटिक्स से इंस्पिरेशन लेके और क्योंकि सिंगल हैंडेडली वो लगता है कि हिंदू की, उनको ऐसा लगता है कि हम ही हिंदू के हितैषी है और वो जो राजनीति करे जिसपे उनको सक्सेस मिल रहा है, क्या उसी सक्सेस पाथ पे आप दूसरा दरवाजा जनता के लिए खोलना चाहते हैं? देखिए, हिमालय के इस्लामीकरण के लिए 2014 में जम्मू कश्मीर की नॉन सेक्युलर थियोक्रेटिक इस्लामिक लेजिस्लेटिव असेंबली ने एक कानून बनाया जिसका नाम था G&K स्टेट लैंड्स वेस्टिंग ऑफ ओनरशिप टू द ऑक्यूपेंट्स एक्ट। ये एक ऐसा सबवर्सिव सटल छुपा हुआ जिहादी टूल था जिसके जरिए देश के टुकड़े टुकड़े करने का षड्यंत्र किया गया था। 2014 में मैंने स्वयं चुनौती दी थी PIL नंबर 41/2014 टाइटल अंकुर शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ G&K एंड अदर्स, और 2020 में उस कानून को ध्वस्त करवा दिया। आज मोदी सरकार उस कानून के फेवर में हाईकोर्ट में रिव्यू पिटीशन फाइल करके खड़ी है। मोदी से कौन इंस्पिरेशन लेगा? आप मेरी बात समझिए, आज गौहत्या पे कोई कानून नहीं है। आज मोदी सरकार बिल अमेंड करके लेके आ रही है कि गाय को, लाइव स्टॉक को जिंदा भी एक्सपोर्ट किया जाएगा, बाहर भेजा जाएगा। ये मोदी की राजनीति है, एकम सनातन भारत दल की राजनीति है, ये सब संकल्प जिसमें सेकंड बिगेस्ट जो मेजॉरिटी है देश की, जो मुसलमान समाज है और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ मामला है, उसका माइनॉरिटी स्टेटस खत्म किया जाएगा क्योंकि वो यूनिसेफ की डेफिनेशन हो, सुपरा नेशनल एजेंसीज हो, ऑर्गेनाइजेशंस उनकी डेफिनेशन हो, उसकी डेफिनेशन में नहीं आते 5% से कम। हमने डेमोग्राफिक इन्वेजन को रिवर्स करने की बात की है, लैंड जिहाद को रिवर्स करने की बात की है, और केवल बात नहीं की है, इन्होंने तो मीडिया के माध्यम से माहौल बनाया कि मैं हिंदू हृदय सम्राट हूं। हम तो ग्राउंड पे संघर्ष करके यहां पहुंचे हैं। जो कानून हिंदुओं के सनातन के देश के खिलाफ बनाया गया, राष्ट्र के खिलाफ, 6 वर्ष की लड़ाई में बिना सत्ता के उसे ध्वस्त करवा दिया, जो 90 MLAs ने मिलके बनाया, बिना MLA बने, बिना MP बने, बिना एक पार्टी का पार्षद भी बने, 6 वर्ष के संघर्ष में ध्वस्त करवा दिया। सुनिए, 14 फरवरी 2018 का वो आदेश जिसमें मुसलमानों को लीगल इम्यूनिटी दी गई थी हिंदुओं की जमीनों पर कब्जा करने के लिए, सिटिंग चीफ मिनिस्टर को जिहादी महबूबा कह के क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट को पब्लिक डोमेन में स्वयं मैंने लाया, जिसके बाद सिटिंग चीफ मिनिस्टर आप पे, मुझ पे प्रिवेंटिव डिटेंशन का प्रयोग करने की कोशिश करती है, FIR लगवाने का कोशिश करती है। तो हमारी क्रेडिबिलिटी और ट्रैक रिकॉर्ड ग्राउंड में लड़ने का वो है कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर हमारे पे ना FIR लगवा सकी और ना ही कोई पुलिस वाला घर तक भेज सकी। मोदी जी हिंदू विरोधी है या खाली हिंदू ढोंग करते हैं आप ये कह रहे हैं? मोदी जी पॉलिसी के लेवल पे देखेंगे तो हिंदू विरोधी है, एंटी सनातन है, सनातन से घृणा करने वाले हैं, गौरक्षकों को गुंडा कहने वाले हैं, मंदिरों और मठों को कंट्रोल में रखने वाले हैं, गौहत्या को प्रोत्साहन देने वाले हैं, एंटी काउ स्लॉटर डेथ सेंटेंस जैसा कानून नहीं बनाने वाले वो व्यक्ति हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात आप छोड़िए, पॉपुलेशन कंट्रोल पे कोई भी कार्य ना करने वाले लोग हैं, हिंदू जहां जहां रेजिस्टेंस बिल्ड करने की कोशिश करता है उस रेजिस्टेंस को खत्म करने वाले वो लोग हैं। इसीलिए एकम सनातन भारत दल का निर्माण हुआ है और आज आप देखिए 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेशों से डेलीगेट्स यहाँ पे आए हैं और ये उद्घोषणा है 2024 की कि आने वाले 2024 के चुनाव में आप मुझे बताइए, आप मोदी जी की बात करते हैं, नुपुर शर्मा एपिसोड के बाद जो उसके साथ किया वो तो एक बात है, एपिसोड के बाद पैन इस्लामिक स्टाइल में, जिहादी स्टाइल में, IS की आइडियोलॉजी से प्रेरित होकर हिंदुओं के गले काटे गए। एक भी पार्लियामेंट में किसी MP ने खड़े होकर कहा कि हिंदू का गला कटा है जिहादी आइडियोलॉजी के चलते, यहां का मुसलमान रेडिकलाइज हुआ है। आज जम्मू कश्मीर में अहले हदीस जो लश्करे तैयबा की मदर ऑर्गेनाइजेशन है, जो रेडिकलाइजेशन और इंडोक्ट्रिनेशन का काम करती है, जम्मू सिटी में उसकी 2 मस्जिदें हैं, कौन संरक्षण दे रहा है उस मस्जिद को? उसके अलावा जमात इस्लामी को बैन करने के बाद जो भी उसका रेडिकलाइजेशन और इंडोक्ट्रिनेशन के नीचे मशीनरी है धड़ल्ले से वहां पर चल रही है, कौन उसके खिलाफ एक्शन नहीं ले रहा? हम
इन जेनोसाइडल प्रोसेसेस के खिलाफ है कि आपका मुल्ला मौलवी उठ के आएगा। वहां जीएमसी मेडिकल कॉलेज जम्मू में भी इंस्टेंस आया जहां पे डॉक्टर्स को कन्वर्ट करने के लिए मुल्ला मौलवी हॉस्टल तक घुस जाते हैं और जो डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हैं वो उन्हें संरक्षण देते हैं। वो हमने बस्ट किया, उसके बाद पूरी राज्य सरकार सत्ते में थी। कौन इन चीजों को बढ़ावा दे रहा है? 2024 में पूरा 543 सीट भी लड़ने जा रहे हैं, उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम, हर जगह पे हमारी वो है, क्या कहते हैं, प्रेजेंस है। और आने वाले 2024 के लोकसभा चुनावों में हर जगह से क्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द कंट्री चुनाव लड़ा जाएगा। हम कैंडिडेट्स खड़े कहां से लाएंगे उसकी चिंता आप मत करिए, हम करेंगे। वो हम आपको बताएंगे भी नहीं, आपको बताएंगे भी नहीं। एकम सनातन भारत दल सनातनी इटर्नल वैल्यूज और प्रिंसिपल से जुड़ा हुआ दल है। मैंने बहुत बार ये कहा है कि बदलाव लाने के लिए हमें अर्थ की आवश्यकता है, अनर्थ की आवश्यकता नहीं है। आप इन सब लोगों से पूछिए, हजारों रुपए दान करके ये लोग पार्टी में, पहले हमारे जो हरिद्वार का अधिवेशन था उसमें आए थे कि नहीं आए थे? तो मैं आपको इतना बता दूं, मैं सुनिए, अनर्थ की आवश्यकता नहीं है, अर्थ बहुत है, और सुनिए, अर्थ की कोई जरूरत ही नहीं है। नहीं, मैं सवाल पूछा ये तो सुन लीजिए आप। आज के वक्त में 85% से ज्यादा चंदा बीजेपी को जा रहा, वो अनर्थ है। सुनिए तो सही वो अनर्थ है। और जितने भी 15% भी टोटल जो बाकी के पॉलिटिकल पार्टी है उसके भी पाइपलाइन को बंद किया जा रहा। इस वक्त में जहां पे एक लोकसभा सीट पे 72 से 78 लाख कहीं पे डिफर करता है खर्च करने की है, वहां पे 200 करोड़ रुपए खर्च होते हैं, वो अनर्थ है। हम अनर्थ से चुनाव कहां से लड़ेंगे? वो अनर्थ है, उससे हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। हमारा जो चुनाव लड़ने का मॉडल है वो कुछ समय में इनोवेटिव है, आपके सामने आएगा। अर्थ की कमी हमें नहीं पड़ने वाली, मैं आपको आश्वासन दे रहा हूँ। तो ये थे एकम सनातन भारत दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अंकुर शर्मा, जिन्होंने बड़ी बेवाकी से अपनी बात रखी और स्पष्ट रूप से बताया कि हिंदुओं को जो दोयम दर्जे का नागरिक बनाकर रखा हुआ है उसे अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। तो इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी के लिए बने रहिए इंडिया स्पीक डेली के साथ। धन्यवाद।